गुड मॉर्निंग एवरीवन. कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो आप डील करते हैं जिनमें कैपिटल मार्केट में, हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में. एक है गवर्नमेंट और गिल्ड एज सिक्योरिटीज और दूसरा है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट और गिल्ड एज सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? वो सिक्योरिटीज जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करती हैं फंड्स बोरो करने के लिए पब्लिक से. तो वो किस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, गोल्ड बॉन्ड्स, रेलवे बॉन्ड्स, स्पेशल वेयर बॉन्ड्स एक्सेट्रा. ये जो हैं ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं. इन्वेस्टमेंट अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हो तो उन्हें सेफ माना जाता है, इसीलिए उन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहा जाता है. और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है. नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है दैट इज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए तो वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज को इशू करते हैं. सबसे पहला है शेयर. लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने के लिए, फिक्स कैपिटल रेज करने के लिए जो कंपनीज है उनके पास एक ऑप्शन है शेयर्स को इशू करना. शेयर का मतलब क्या होता है? जब हम जो भी कैपिटल है कंपनी की उसको स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में जब हम डिवाइड करते हैं तो ईच डिनोमिनेशन को शेयर कहा जाता है. जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑनर्स होते हैं कंपनी के. दो टाइप्स के शेयर होते हैं जो कंपनी इशू कर सकती है. एक है ऑर्डिनरी शेयर जिसे इक्विटी शेयर्स आप कहते हैं, और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स के पास प्रायोरिटी होती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स दो चीज़ों के रिगार्डिंग. एक कि उन्हें पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले होगा इक्विटी शेयर होल्डर से, दूसरा उनकी कैपिटल भी पहले वापस की जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर से. शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में से, और अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो जो वैल्यू है शेयर की वो भी कम हो जाती है. नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज डिबेंचर. डिबेंचर एक तरीके से जो लोन डॉक्यूमेंट होता है. जब कंपनी लोन ले रही है पर्सन से, इन्वेस्टर से, तो वो एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में एक एक्नॉलेजमेंट इशू करती है कि हमने आपसे पैसा लिया है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, इतने टाइम पीरियड के लिए लिया है. तो उस जो डॉक्यूमेंट है उसी को हम डिबेंचर कहते हैं. डिबेंचर्स कंपनी के ऑनर्स नहीं होते, वो लेंडर्स होते हैं कंपनी के. देन आता है हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इज पब्लिक डिपॉजिट. जो कंपनी है पब्लिक से लॉन्ग टर्म डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर सकती है. ये भी एक तरीके का लोन है जो पब्लिक ने कंपनी को दिया है. देन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लॉन्ग टर्म लोन स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, ICICI, SIDBI एक्सेट्रा भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से जो कैपिटल मार्केट है उसमें आप पैसा रेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट की इम्पोर्टेंस क्या है? कैपिटल मार्केट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया. तो प्रमोट ये करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरीके से? पहला है आपका मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव चैनल. कैपिटल मार्केट हेल्प करती है कि जो लोग हैं उनसे, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी सेविंग्स को मार्केट में लगाएं, और वो पैसा जो है, वो जो सेविंग्स हैं, वो पैसा किसको मिले? उन पर्संस को जिनको उसकी ज़रूरत है, और वो उन्हें जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें लगा सके. तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है, इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है. तो जो कैपिटल मार्केट है ये हेल्प करती है कि जो पूल ऑफ सेविंग्स है हाउसहोल्ड सेक्टर्स का, जो अपने लेवल पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स में पैसा नहीं लगा सकते, तो जो कैपिटल मार्केट है वो मोबिलाइज करके उनकी स्मॉल सेविंग्स को, उनको पूल करके, कलेक्ट करके उन्हें प्रोडक्टिव चैनल्स में लगाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. और इस तरीके से जो कैपिटल मार्केट है वो इनकरेज करती है सेविंग्स को, मोबिलाइज करती है सेविंग्स, और फैसिलिटेट करती है इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से कैपिटल प्रमोशन होता है.
नेक्स्ट इज एक्सेस टू लॉन्ग टर्म कैपिटल। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करवाती है लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स कॉर्पोरेट सेक्टर को, गवर्नमेंट बैंक्स को। जो बोरोअर है वो रेस कर सकता है फंड्स ना सिर्फ आपकी खुद की कंट्री से, बल्कि बाहर जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां से भी आप कैपिटल को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। जो कैपिटल मार्केट है वो ऑर्गेनाइज मार्केट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दी सभी गाइडलाइंस वो वर्क करती हैं। तो मार्केट्स जो हैं वो फुली प्रोटेक्ट करती हैं इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, तो जो ट्रांजेक्शन्स हैं मार्केट्स में वो सेफ होती हैं। देन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक प्लेस है जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये आपको लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करवा रहा है। जो स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पे आपके पास जो आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, जब भी आपको ज़रूरत है आप उसे बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब लिक्विड आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, इजीली आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। मार्केटेबिलिटी किस सेंस में हो गई कि आपको एक मार्केट उस प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे आप उसे बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे कैपिटल कम होती है अवेलेबल, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हिंडर होती है। तो जो कैपिटल मार्केट है वो इस हिंड्रेंस को ओवरकम करने में हेल्प करती है। जो भी आपके रिसोर्सेज कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं वो उन्हें रैशनली जो डेवलपमेंट नीड्स है कंट्री की उसमें एलोकेट करती है। देन रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। जो इन्वेस्टर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, परचेज कर सकता है यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स की डाइवर्सिफाई कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को। वो एक तरीके की सिक्योरिटीज में ना इन्वेस्ट करके डिफरेंट सेट ऑफ जो सिक्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज हो गई, गिल्ट एज सिक्योरिटीज हो गई, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एसेट्रा। देन फैसिलिटेट फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल मार्केट है वो फैसिलिटेट करती है इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट कर सकती हैं इंडिया में दो तरीके से, एक न्यू इशू मार्केट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, दूसरा सेकेंडरी मार्केट के में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो आपकी कंट्री में आके कंपनी सेटअप करती है, बिल्कुल बेसिक से वो शुरू करती है, कंपनी को सेटअप करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। जबकि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं यहाँ पे जो आपकी कंट्री में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो उनके शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, उनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अवेलेबल करवाता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिगार्डिंग, जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, जो भी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैपिटल मार्केट हेल्प करता है इन बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में नॉर्मली लोगों के बीच में क्या रहता है कि हमें जो अपनी पैसा है वो रखना है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी, लैंड, प्रॉपर्टी, बस इसी केसेस में। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है वो रिसोर्सेज को इनको मोबिलाइज करके इन्हें प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है। देन नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन इनकम। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैपिटल मार्केट में जो एश्योर करते हैं सेफ और इजी इनकम सेवर्स को। जैसे इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करते हो, तो दोज आर सेफ। तो इसके साथ ये जो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।